हूँ मेरे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़ का जीवन दायिनी नदी महानदी, जिसे प्राचीन काल में चित्रोत्पल्ला महानदी के नाम से पुकारा जाता था। साथियों आप जानते होंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ का ये जो पावन भूमि है, इस पावन भूमि में रामायण कालीन कुछ ऐसे हमारे साक्ष्य मिले हैं कि भगवान राम जब वनवास के दरमियान थे तब यहाँ आए हुए थे, और उनका ये नैनिहाल भी है, यहाँ माता कौशल्या जी का मंदिर भी है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे अद्भुत अलौकिक हनुमान जी के भव्य प्रतिमा के बारे में, जिसे देख करके आप काफी ज्यादा आनंदित अपने आप को महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रतिमा है यह काफी विशाल प्रतिमा है, और इसका जो खासियत है वो इसकी विशालता ही है। तो चलिए दोस्तों हम दर्शन करते हैं यहाँ के विशालकाय श्री रामोदर वीर हनुमान जी का। तो चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 50 किलोमीटर का सफर तय कर आप चंपारण पहुंच सकते हैं। चंपारण के चंपेश्वर महादेव जी एवं वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के बाद आप 8 किलोमीटर दूर स्थित 81 फीट ऊंची विशालकाय श्री रामोदर वीर हनुमान जी का दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि टीला नामक गाँव में महानदी के किनारे स्थित एनीकट में बनाया गया है। यह मंदिर प्राचीन नहीं है, अपितु जन आस्था के अनुरूप टीला एनीकट निर्माण के द्वारा ही बनाई गई है। टीला से पोखरा ग्राम को जोड़ती हुई लगभग 66 करोड़ की लागत से 915 मीटर लंबी एनीकट का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा नई राजधानी में पानी पहुंचाने हेतु बनाई गई है। टीला सेमरा पोखरा परसदा परिक्षेत्र में 5.2 वर्ग मीटर जल धारण क्षमता की इस एनीकट के किनारे में ही बना है 81 फीट ऊंचा हनुमान जी की मूर्ति। इस मूर्ति को स्थानीय मूर्तिकार श्री पालूराम साहू जी ने बनाया है। साथ ही इस परिक्षेत्र का सौंदर्यकरण करते हुए छोटा सा उद्यान भी बनाया गया है, तथा यहाँ मंदिर परिसर में ही जल संसाधन विभाग का कार्यालय भी है, जहाँ एनीकट के रखरखाव हेतु कर्मचारी बैठते हैं। यहीं एक साइन बोर्ड पर नामकरण के विषय में लिखा गया है, श्री राम नाम लेखन करने वाले तथा सभी लोगों को विदित हो कि यह स्थान महानदी चित्रोत्पल्ला के तट पर गाय घाट के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे काशीपुर के गाय घाट तथा मणिकर्णिका घाट में शमशान घाट सिद्धपीठ भी है। श्री रामोदर हनुमान जी 81 फीट ऊंची 9 ग्रहों से युक्त 9 अंकों सहित करोड़ों की संख्या में राम नाम से अंकित कापियों को अपने उदर में धारण करके श्री राम नाम का घोष करते हुए विराजमान है। तो इस तरह से इसे श्री रामोदर वीर हनुमान जी के नाम से भी जाना गया है। इस विशालकाय हनुमान जी के धरातल पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा के साथ छोटा सा मंदिर है। इसी से लगा हुआ हनुमान जी की एक और प्रतिमा है। 81 फीट ऊंची हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का परिक्रमा करते हुए नवग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और राहु केतु का भी दर्शन होता है। साथियों आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा जो ये वीर हनुमान जो विशालकाय हनुमान है इसका वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हनुमान जी का दर्शन कर आप बहुत ही ज्यादा आनंदित महसूस किए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया है तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, अगर उसे जाकर के आप प्रेस कर देते हैं तो हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, अगर उसे जाकर के प्रेस कर देते हैं तो हमारे जो इसी प्रकार के जो भी दर्शनीय स्थल हैं छत्तीसगढ़ के या ऑल ओवर इंडिया भारत के किसी भी कोने का दर्शनीय स्थल हो उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा जो ये एपिसोड है हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो हनुमान जी की जय।